तो गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैर से होंगे। तो गाइस नामक एकदम तैयार हो चुके हैं। और गाइस रोज मैं बोलता हूँ ना, आज काम स्टार्ट होने वाला, लेकिन आज मैं बोलूँगा कि काम हमारा स्टार्ट हो चुका है, पेंट करना चालू हो चुका है। कल ही भाई साहब आ गए थे तो उन्होंने अगला कमरा निपटा दिया है। अगला कमरे में हमने सामान भी अच्छे से जमा दिया है और हमारी दुकान जो है कि जम गई है। और गाइस अभी ना वो पिछला कमरा कर रहे हैं भाई साहब, तो आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से काम चल रहा है। ये हमारा आखिरी काम है, इसके बाद हमें ना कोई काम मकान का नहीं करवाएंगे। मकान का काम हम जब भी करवाएंगे, जब हमारी कुटीर उटीर आएगी ना, तो हम पीछे एक कमरा बनाएंगे और एक कमरा ऊपर बनाएंगे। तो दो तीन साल हम कुछ करेंगे नहीं। गाइस बच्चे भी स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं, असद सनाया दोनों तैयार हो चुके हैं। वैसे आज बुधवार का दिन भी है, काम भी चलेगा। तो देखते हैं कि आगे आगे क्या होता है। अभी फ़िलहाल अंदर जाते हैं और आपको दिखाते हैं। और ये देखो दोस्तों, ये इधर भी ये जो सीमेंट चिपक नहीं रहा था, लेकिन अब चिपक चुका है। थोड़ा सा पानी अभी भी यहाँ से लीकेज हो रहा है, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा नहीं आ रहा है। वापस से लगा देते हैं ताकि कोई जानवर अंदर ना जाए। असद रेडी हो गया? सुनाया भी वो, इसको देखो क्या है ये, कितनी सारी मट्टी आ गई। तो वो खिड़कियों का साफ किया ना, इसलिए यहाँ से गिरी है ना बेटा। जा साहिबा तू भी मुहात दो। ये टिफिन किसका है? सना उठा बेटा। हाँ गाइस ये चल रहा है काम। ये राधे श्याम भाई काम कर रहे हैं और ये कलर आ रहा है इस तरीके से। ठीक है कि राधे श्याम भाई? हाँ ठीक है। और ये पट्टे हम छोड़ रहे हैं ताकि यहाँ पर दूसरा कलर करेंगे। तो गाइस ये रहा अगला कमरा, देखो ये कलर है और यहाँ पर एक पट्टा अलग से दिया है। और ये दुकान हमने इस तरीके से कुछ जमा दी। एक फ्रिज वहाँ आ चुका है। अभी स्टार्ट नहीं किया है, एक दो दिन में ये भाई साहब चले जाएंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। हाँ जाओ। तो ये इस तरीके से कुछ काम हुआ है। अरमान आ गया। अरमान क्या लाया? अरमान ले। क्यों गया? इनका ट्यूब फट गया। तो अब क्या करना चाहिए? इधर से भी देख लो, एकदम मस्त, एकदम क्लियर हो चुका है। तो अभी हवा भी भर लेते हैं, हवा बहुत कम है। और ये जो कोल्ड ड्रिंक से हमने जो ली ना, वो यहाँ भी इस तरीके से जमा दी। मेरा दोस्त आ चुका है, इसको कुछ देता हूँ खाने के लिए। खाने के लिए मना कर देता है, डायरेक्ट पैसे मांगता है दोस्तों। ये इसको पैसे देते हैं। चलो हो गया ना तुम्हारा काम, चलाओ करो जल्दी। तो अभी इसको 5 रुपये दिए हैं और अब ये जा रहा है। और आप भी दे दो 5 रुपये। अरमान पूछ रहा है। तो गाइस कुछ इस तरीके से काम चल रहा है। अभी इस पर एक हाथ और मारा जाएगा क्यों राजा भाई? नहीं तुम रहने दो। गाइस ये फ्रेम को है ना 3 साल बाद निकाला है वापस से, है ना अरमान? गाइस क्या बोल रही, हमारा अल्लाह को क्यों निकाला? हाय भाई, काय खाई? हाय कलर, हाय चंदना, हाय सुनाला देख क्या? है? कलर। हाँ हाँ देखते हैं ना। यहाँ से निकाला, यहाँ से। अभी डबल हाथ मार रहे हैं भाई साहब। अब थोड़ी फिनिशिंग आ रही भाई। ये देख ये
कुछ रख देता हूँ यार, लगा के देखते ना। लगा। आ गई, अब नहीं आलेगी ना। हाँ हाँ, ये कलर आ रहा है, इस तरीके से डिजाइन आ रही, कैसा है आप कमेंट करके जरूर बताना। ये दाग वाग अभी सब हट जाएंगे जब सूखेंगे ना, जब हटेंगे। आपको एक बात बताऊँ मैं कि ये है ना 10 साल तक अतिथि शिक्षक रह चुके हैं, लेकिन सही से इनको तनख्वाह नहीं मिलती थी, घर नहीं चल पाता था। है पार्ट टाइम के लिए ये काम कर रहे थे, आज काम में आ रहा है, घर गृहस्थी चला रहे हैं पुताई करके। हाँ, वरना अतिथि के चक्कर में पड़ते तो अभी बर्बाद हो जाए। हालांकि अभी अतिथि की तनख्वाह भी बढ़ चुकी है, 15,000 के आसपास हो चुकी है। और मेन बात ये है कि इनका स्कोर कार्ड नहीं निकला। अच्छा, तेरा स्कोर कार्ड नहीं निकला था। कार्ड नहीं निकलने की वजह से ये कार्य कर रहे हैं बेचारे। ठीक है, वरना अभी 15,000 रुपये हो चुकी है अतिथि से। हाँ। बाकी वो सही टाइम पे पेमेंट मिलता नहीं है। हाँ। है ना, कम से कम 6 महीने में एक बार, 5 महीने में एक बार ऐसी तनख्वाह मिलती थी दोस्तों। ये कमरा भी लगभग है ना पूरा हो चुका है, सिर्फ ये पट्टे बचे हैं। बर्बाद हो गया। अब देखते हैं कि इसमें पट्टे कौन सा लगाए। हाँ। हालांकि पट्टे का कलर भी लेके आए हम, ये वाला देखो, ये नेवी ब्लू कलर है पट्टों के लिए, एकदम गहरा। लेकिन वाइप को कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो कलर, तो हम सोच रहे हैं कि इसमें वाइप पट्टा लगा देते हैं। लेकिन कमरा पूरा हो चुका है लगभग, डबल हाथ मार दिया भाई साहब ने, ये इतना बचा है ना भाई। और ये बचा है ऊपर छत, उसके बाद में ये कमरा होगा। कितना टला पड़ा है दोस्तों, देखो सब, ये कमरा होगा। फिर कल ये किचन होगा, और किचन के बाद में फिर ये होगा। लंबा टाइम है, मतलब 2-3 दिन और लगेंगे अभी। तो दोस्तों अभी ना पट्टों पे भी कलर हो रहा है, देखो, और वही वाला हो रहा है जो हम लेके आए थे। ये पट्टों पे भी कलर हो रहा है, अच्छा लग रहा है यार, ऐसा तो है नहीं कि बहुत बेकार लग रहा है, क्यों? हाँ, बढ़िया लग रहा है। ये देखो दोस्तों, एकदम मस्त मस्त लग रहा है। और आज ये ट्यूबलाइट हमसे नाराज हो गई है, देखो। अभी सही कर देंगे हम उसको, क्यों? इसकी जगह से उसको लटका दिया। जगह से हटा के फांसी पे लटका दिया उसको, फिर भी जिंदा है। अब रात हो चुकी है, बच्चे अभी खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, ये देखो। और ये कमरा भी हो चुका है, ऐसा लग रहा है अपने ने पुट्टी करवाई। पुट्टी करवाई। लेकिन हमने करवाया है पेंट। गाइस, अभी टाइम हो चुका है इस ब्लॉग के एंड करने का, अभी ये कमरा बाकी है, अगला कमरा भी बाकी है, और किचन भी बाकी है, तो ये काम चलता रहेगा 2-3 दिन तक। अभी इस ब्लॉग का एंड कर देते हैं, और कमेंट करके बताना कि आपको ये कलर और ये मकान कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, और आपने ऑडियंस से पूछते। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।